हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो आज मौसम हुआ है थोड़ा सा ही, तो सोचा चलो अपने आप को थोड़ी पैम्परिंग की जाए। जी हाँ, तो मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के पार्लर में। मैंने आपको वो पार्लर दिखाया था ना, जनकपुरी वाला, वहीं आई हूँ। और सर्दी की वजह से, अपना अच्छे से केयर नहीं करने की वजह से मेरे पैर बिल्कुल ख़राब हो गए थे, तो मैंने अपना पेडीक्योर करवाया और बहुत अच्छी सर्विसेज वहाँ मिलती ही है, तो इसीलिए मैं वहाँ गई और मैंने अपना पेडीक्योर करवाया और भी चीज़ें करवाई। तो अपने आप को पैम्पर करना ज़रूरी है और सर्दियों में खास करके खास ख्याल रखना चाहिए। आप देख सकते हैं टॉवल पे कितनी सारी डेड सेल पड़ी है, वो मेरे ही डेड सेल है। पैर एकदम ख़राब हो गया था, बहुत अच्छे से क्लीन किया। ये देखिए बिछुओं की वजह से भी ना वहाँ पे दाग सा बन गया है, तो अच्छे से एक अच्छा सा पेडिक्योर रिक्वायर्ड था मेरे लिए। कितने टाइम से कर रही हो काम यहाँ का? नहीं पूरा, मैं कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर सर्विसेज बहुत अच्छी है। आप लोग वहाँ जाइए, मैं पार्लर का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ चले जाइएगा, बहुत अच्छी सर्विसेज आपको मिलेगी। स्टाफ अच्छे हैं और सर्विस भी अच्छी देते हैं। जो लड़की मेरा पेडिक्योर कर रही है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ध्यान रख के इसने किया और काम बहुत अच्छा किया। अब हो रही है मेरी पैरों की स्क्रबिंग, जिससे कि पूरे डेड सेल अच्छे से निकल गए और पैर एकदम चमचमा उठा। उसके बाद मैंने अपने बालों में भी करवाया कलर, तो ये देखिए मेरे बाल भी बहुत अच्छे हो गए। सर्दी की वजह से ना एकदम खराब हो गया था सब। तो उसके बाद हो गई शाम और शाम को पतिदेव का मन हुआ खाने का पनीर के पकोड़े। तो आज जो मैं पनीर के पकोड़े बना रही हूँ वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल में है। और भी रेसिपीज पकोड़ों की है, अगर वो देखना है तो आप मेरे चैनल घर का खाना ऑफिशियल पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो यहाँ पे जो मैं पनीर के पकोड़े बना रही हूँ ये थोड़ा डिफरेंट है। तो मैंने लिया गार्लिक पेस्ट, उसमें डाला कश्मीरी लाल मिर्च और उसके साथ में डाला नींबू का रस और मैं इसमें मैरिनेट करूँगी पनीर को। बोल सकते हैं, म्यूट कर लेंगे। बड़े से स्टील वाले प्लेट में डालना चाहिए। तो पनीर को अच्छे से मैरिनेट करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप रख दें, स्वाद पूरा पनीर के अंदर चला जाएगा और जब आप पकोड़े खाएंगे तो आपको अंदर से फीके और ब्लेंड नहीं लगेंगे, आपको अंदर से एक स्वाद मिलेगा जो कि काफी टेस्टी होगा।
तो ये हो गया मेरा पनीर मैरिनेट, और जब तक मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ूंगी तब तक हम बना लेंगे इसके लिए बेसन का घोल। तो बेसन का घोल बनाने के लिए मैं जनरली बेसन ही लेती हूँ, पर आज मैं इसमें ले रही हूँ चावल का आटा, और चावल के आटे से यहाँ पे एक क्रंच आएगा। तो अनुपात आप ऐसे रख सकते हैं कि एक कप बेसन में 2 टेबलस्पून चावल का आटा मिला दीजिए, उससे क्रंच आ जाएगा। और उसको छान के अगर हम लेते हैं ना, तो घोल बनाने में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब अच्छे से छना होता है तो बेसन की गांठें नहीं मिलती उसमें, और हम उसको कम भी बीट करेंगे तो हमारे पकौड़े अच्छे बनेंगे। इसके साथ में मैं पकोड़े में मिक्स कर रही हूँ बेसन में थोड़े से दही, दही से एक अलग स्वाद आ जाता है, और अजवाइन और हींग, ये दोनों चीज़ें किस लिए, ये पकोड़े खाने के बाद जो हमें हीक आती है, बदहजमी होती है, डाइजेस्ट नहीं होता, उसके लिए। उसके साथ में हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, और ये डाल के अच्छे से मिक्स करके हम बनाएंगे एक स्मूथ सा बैटर। बैटर बनाने के टाइम हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम इसमें धीरे धीरे करके पानी मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत रनी बैटर ना बन जाए, और जब धीरे धीरे मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ और अच्छा बैटर बनेगा। आप देख सकते हैं मैं कितना कम पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करें ताकि कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है, और ये देखिए कोई लम्स नहीं, बिल्कुल सही से स्मूथ बैटर। अब आपको लग रहा होगा कि बैटर तो बन गया, अब ये फिर और बेसन का और चावल का आटा क्यों मिक्स करने लग गई। तो जी हाँ, ये मैं एक सीक्रेट है आगे बताती हूँ ना। बैटर में थोड़ा सा गरम तेल डालते हैं, उससे पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये मैंने मिक्स कर दिया, तो ये बेसन का जो मैंने बनाया था ना पाउडर, वो इसलिए बनाया था कि हम इस पे पनीर को रोल करेंगे और पूरी तरह से इसको कवर कर देंगे, जिससे कि हमारे पनीर के पकोड़े जब बनेंगे, तो जैसे पनीर के पकोड़े पे होता है ना, कहीं से बेसन हट जाता है, कहीं से पनीर दिख रहा होता है, वो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। इसको हम अच्छे से डस्ट कर लेंगे ये पाउडर में, और उसके बाद हम इसको डिप करेंगे अपने घोल में। ये देखिए मैंने सारा एक साथ डस्ट करके रख लिया है, और अब जब हम इसको पनीर को डिप करेंगे ना, डिप करेंगे तो पूरी तरह से उसको अच्छे से डिप करेंगे, और चेक कर लेंगे कि कहीं से भी वो पनीर ऐसा ना हो कि बैटर लगा नहीं हो। और जब ये अच्छे से डिप हो गया है, तो मैं इसको ऐसे फोक पे लूँगी और उसको अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें लगा हुआ ना रह जाए बैटर। और जब हम इसमें डालेंगे तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारा इसमें चला गया है, और
और फोक पे इसलिए लेते हैं ना कि फोक से एक्स्ट्रा बैटर जो होता है वो निकल जाता है, स्पून से हम लेते हैं तो ये नहीं होता है। तो इस तरह से बनेंगे आपके बेहतरीन बेस्ट अमृतसरी पनीर पकोड़े। तो किस किस को पनीर के पकोड़े पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आगे कौन सी वीडियो आ रही है। तो स्टे ट्यून्ड और बेल आइकन भूलना नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह से इसमें हम बाकी के पकोड़े भी डाल देंगे और हम उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। किसी भी वीडियो को जब आप देखते हैं तो उसको अंत तक देखिए, कुछ ना कुछ आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये देखिए, ये है मेरे पकोड़े, पनीर के पकोड़े, और कितने अच्छे बन के आए हैं। बाकी के पकोड़े भी मैं तल ले रही हूँ और ये रेडी है मेरे पनीर के पकोड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और देखते रहिए रेखा की दुनिया।